बड़ी खबर सुपौल से आ रही है, जहां फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 28 लोगों को इलाज के लिए त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतनी संख्या में एक के साथ एक मरीज के पहुंचने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। घटना त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के प्रतापपुर का है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पड़ोस में भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए। वहीं अगले दिन यानी शनिवार को सभी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद ग्रामीण चिकित्सक द्वारा इलाज कराने के दौरान एक 12 साल के बालक संतोष की मौत हो गई, जिसके बाद बीमार अन्य लोगों को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज फिलहाल चल रहा है। मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सक ने फूड पॉइजनिंग की बात कही है, यानी कि फूड पॉइजनिंग से इतने लोग जो है गंभीर हालत में चले गए, सभी बीमार हो चुके हैं। वहीं बीमार लोगों में कई बच्चे, महिला और पुरुष भी शामिल हैं। हाँ, अभी जानकारी मिली है कि प्रतापपुर के वार्ड नंबर 1 बरखुरवा पंचायत के करीब 27 व्यक्ति, जिसमें बच्चे और कुछ बड़े भी हैं, जिनके यहाँ परसों रोज एक समारोह हुआ था, जो घर में ही कुछ बासी भोजन खा लिए, जिसके कारण उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है और उन्हें तत्काल रेफरल यहाँ पर PHC में एडमिट करवाया गया है और सबको सलाइन वगैरह सबको चढ़ाया जा रहा और सबकी स्थिति अभी लगभग स्टेबल है। मामला की लोग बोल रहा है कि मतलब भोज खाए थे, इसीलिए जो है वहाँ से एक बच्चा का डेथ भी हुआ है। हाँ, और सब यहाँ भर्ती है मेरे यहाँ, ट्रीटमेंट में चल रहा है। ये हम अंदाजा करें फूड पॉइजनिंग ही है।